तो ये तो तुम्हें पता है, अगर तुम यूट्यूब का ऐप चलाते हो तो वहाँ पे तुम्हें शॉर्ट्स की अब थंबनेल नहीं दिख रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अब यूट्यूब बेटा टेस्टिंग कर रहा है शॉर्ट्स पे, अलग अलग फीचर्स अपना के देखता है और फिर उन्हें छोड़ देता है। इसी ये थंबनेल को भी अपना के देख रहा है और फिर उसे छोड़ दिया है उसने, देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन एक जगह है जहाँ तुम्हें शॉर्ट्स के थंबनेल दिख रहे हैं, वह है यूट्यूब की वेबसाइट, जहाँ तुम अगर डेस्कटॉप मोड पे भी करते हो तो भी तुम्हें थंबनेल दिखेंगे और नहीं भी करते हो तब भी तुम्हें दिखेंगे। लेकिन हमें तो दिखाना है यूट्यूब के ऑफिशियल ऐप में, लेकिन वहाँ तुम नहीं दिखा सकते, सॉरी। ये तो तुम सिर्फ यूट्यूब की वेबसाइट पर दिखा सकते हो। लेकिन एक तरीका है जहाँ से तुम अपने यूट्यूब के थंबनेल दिखा सकते हो यूट्यूब शॉर्ट्स पे, और वो क्या तरीका है, बने रहो वीडियो में एंड तक। तो गाइस, तरीका बताने से पहले तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ट्विटर पे फॉलो कर लेना, फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। अब हम सब चीज़ों पर अवेलेबल हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर कि तुम किस तरीके से अपने शॉर्ट्स में थंबनेल लगा सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें शॉर्ट्स बनाने से पहले उसका थंबनेल पहले ही एडिट करके रख लेना है। और यहाँ तुम अपने वीडियो में, अगर तुम्हारी वीडियो 15 सेकंड की है तो तुम 5 सेकंड तक अपना थंबनेल वहाँ वीडियो पे शो कर सकते हो स्क्रीन पे। और फिर उसके बाद तुम्हें यूट्यूब स्टूडियो पे जाना है। यूट्यूब स्टूडियो के पास जाने के बाद तुम्हें थंबनेल के ऑप्शन में जाना है और तुम्हें एडिट नहीं करना है इस थंबनेल को। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जहाँ तुम्हारा थंबनेल शो हो रहा होगा तुम्हें उस पर क्लिक कर देना, वहाँ तुम्हारा थंबनेल शो हो जाएगा। इसी तरीके से तुम्हारा थंबनेल शो हो सकता है यूट्यूब के शॉर्ट्स में।